अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय अवश्य हो और प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य हो, तो उसी प्रक्रिया में निजी विश्वविद्यालयों के आने से गुणात्मक परिवर्तन आएगा शिक्षा में, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालयों के स्थापना विषयक विषय आए हैं जो कि विधेयक राज्य विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जाना है, ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये विश्वविद्यालय हैं अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, KM कृष्णमोहन विश्वविद्यालय मथुरा, मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़। दूसरा भारत सरकार की IT का विषय है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/11/2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा किए गए संशोधनों को अंगीकार किए जाने के संबंध में है। एक्चुअल में देश में दूर संचार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और विकास हेतु समयबद्ध रूप से राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित यह है जो आया है मंत्रिपरिषद के समक्ष। तो इसके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो 15 नवंबर 2016 को इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 निर्गत किया है, उसको क्रियान्वयन में अंगीकार करने के लिए ये प्रस्ताव आया था। इससे 5G रोल आउट में क्रियान्वयन की महत्ता दृष्टिगत आवश्यक बिंदुओं को समाहित किया गया है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 5G के रोल आउट की क्रियान्वयन को गति मिलेगी और 5G सेवाओं में प्रभावी रूप से लागू किए जाने से निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी उपकरणों के संचालन में तथा कृषि क्षेत्र में 5G सेवाओं से संबंधित उपकरणों के उपयोग सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। जनमानस को भी इस निर्णय से 5G सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित निर्णय से आम जनमानस को 5G सेवाओं का किफायती उपयोग कर सकेंगे, उन्हें सस्ती दरों पर इसका उपयोग मिल जाएगा और जन सामान्य को अपने व्यवसायिक कार्यक्रमों के निष्पादन में भी सुगमता होगी।